हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ। मैं स्कूल में ज़्यादा वीडियो बच्चों की इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी बच्चों को या किसी टीचर वगैरह को, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो मैं नहीं कैप्चर कर पाती हूँ। तो इसलिए मुझे भी नहीं ठीक लगता है, और मुझे ये लगता है कि अंदर से जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो वैसे दूसरों को भी हो सकती है। तो इसलिए मैं वहाँ की वीडियो में ज़्यादा नहीं लेती हूँ, घर पे आके ही मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और जाने का दिखा देती हूँ बच्चों का। सुबह मॉर्निंग में जाते हैं तब, और जब आफ्टरनून में आते हैं तब का दिखा देती हूँ। तो इसलिए गाइज, तो अभी मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ। अब बच्चे अभी अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो देखते हैं बच्चे क्या अपना होमवर्क कर रहे हैं। खुशी अपना कर रही हैं, ऋषि अपना कर रहे हैं, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। और खाने मैंने आज बनाया है ग्वार की फली की सब्जी और रोटी। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, आगे की वीडियो मिलते हैं आपसे। तो गाइस, खुशी ने ये 6 का टेबल और 7 का टेबल याद किया है, तो चलते हैं तो सुनते हैं कि सही सुनाती हैं कि गलत सुनाती हैं। सुनाओ। तो गाइस, मेरी खुशी ने 7 का टेबल सही सुनाया है कि नहीं सुनाया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। खुशी, आपने सही सुनाया है टेबल? हाँ। सही सुनाया है? हाँ। तो चलिए देखते हैं कितने कमेंट आते हैं मेरी खुशी ने सही टेबल सुनाया है कि गलत। ठीक है, ऐसे याद करो। और कौन सा याद करने के लिए दिया है? 9 का ना? 9 का, 12। 9 और 12 का, ठीक है। 12 का याद करो और 9 का, ठीक है, फिर वो भी सुनेंगे, फिर वो भी सुनाएंगे। ठीक है, तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस, खाने का टाइम हो गया है। आज मैंने खाने में बनाया है ग्वार की फली और रोटी, और ये है खुशी का दूध। खुशी आ गई है स्कूल से, और ऋषि का है, और देखिए कार्टून चल रहा है बच्चों का, और धो बज चुके हैं। तो गाइस, आ जाइए खाना खाने के लिए। तो गाइस, आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, खाना लग चुका है। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो गाइस, शाम हो चुकी है और ये आ चुके हैं ऑफिस से, और देखिए थोड़ा रेस्ट करके अभी मतलब मैं सब्जी काटने में लग गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आज सब्जी हम काटेंगे, तो तुम बड़े बड़े काटती हो। देखिए कितना महीन सब्जी काट रहे हैं, हरे प्याज की सब्जी बनाने जा रहे हैं ये आज। और ये देखिए, मैं इनकी कुछ भी हेल्प नहीं करती हूँ। आप लोग कहते होंगे नहीं दीदी, आप लोग इनकी मतलब जिया जी की हेल्प करते होगे, और मन के ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप ही मतलब सब्जी काटते हैं और बनाते भी हैं। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस देखिए, आज ये फिर से आ गए हैं किचन में, और आज ये खाने में बनाने जा रहे हैं ये हरे प्याज आलू की सब्जी, क्योंकि आज से इनकी ड्यूटी लग गई है। अभी ड्यूटी से आते हैं, फिर सब्जी छौंकते हैं, और बच्चों को भी इन्हीं के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है, तो इन्होंने कहा कि शाम को सब्जी हम बनाया करेंगे। तो कैसे बना रहे हो आप, क्या क्या डाल रहे हो? अभी देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है उधर, अब इसमें लहसुन, जीरा और हरी मिर्च डाल के भून रहे हैं। जब बन जाएगी फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनने। और ये आज मेरी खुशी, क्योंकि पापा के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है ना। हाँ। मेरे हाथ की सब्जी किसी को भी नहीं अच्छी लगती है, और बच्चों को सबको अच्छी लगती है। तो गाइस, इन्होंने मसाले ऐड कर दिए हैं सब्जी में। तो गाइस, कौन कौन ऐसा है जो अपने हस्बैंड के साथ में हेल्प करवाते हैं, मतलब बोलने में कि मतलब ये चीज़ यहाँ रखी है, ये चीज़ वहाँ रखी है, क्योंकि आदमी लोगों को कितनी भी चीज़ सामने रखी हो वो चीज़ नहीं दिखती है, तो इसलिए बताना पड़ता है कि ये यहाँ रखा हुआ है, कि ये वहाँ रखा हुआ है। तो गाइस, खाना लग चुका है। आज इन्होंने सब्जी चावल हल्का खाना ही बनाया है, और रोटी रखी हुई थी सुबह की एक एक, तो वो सभी ने खा ली है। और अब तो गाइस टाइम हो गया है, और यहाँ मूवी चल रही है, कौन सी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और टाइम हो गया है 8:15। तो गाइस, आ जाइए खाना खाने के लिए आप सभी लोग।